अगर मैं आपसे बात करूं प्रोटेक्शन को लेके, तो 70 मैट को अगर मैं अलग कर दूं, तो क्या आप इन तीन मैट्स के थ्रू, क्या आप इन तीनों मैटों के थ्रू अपनी गाड़ी के जेन्युइन मैट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आइए मैं आपको दिखाता हूं ऐसा मैंने क्यों बोला। ये देखिए, पानी की बोतल है आपके सामने, मैंने रबड़ मैट के ऊपर पानी डालूंगा तो रबड़ मैट के ऊपर पानी आपको ऐसा दिखेगा। अगर यही मैं पानी अगर आपको मैं कारपेट मैट पे डालूंगा, मैट तो सक कर लेगा पानी, मगर आपका पूरा पोर्शन गीला रहेगा। अब इसको साफ करने का आपके सामने यही तरीका है, या तो माइक्रोफाइबर क्लोथ से आप इसको साफ कीजिए, या इसको धूप में सुखाइए आप। और अगर मैं आपसे 3D मैट की बात करूं, इसमें भी मैं पानी डालता हूं तो पानी आपका अपर लेयर में रहता है, मगर जैसे ये मैट हल्का बहुत कर्व होता है तो देखेंगे सर, मैट कवर होता है तो आपके जो नीचे के मैट है वो गंदे हो जाते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए, मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी गाड़ी की पूरे मैट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं रीजनेबल प्राइसिंग के अंदर। आप देखते जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप अपनी पूरी गाड़ी के जेन्युइन मैट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आइए मेरे साथ, आप देख सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। पानी है आपके सामने, ये देखिए आप, आपके प्रॉपर मैट ठीक रहेंगे, पानी अपर में रहेगा, नीचे के आपके जेन्युइन मैट खराब नहीं होंगे। अब आप इसको इजीली किसी भी कपड़े से साफ कर सकते हैं अगर आपकी गाड़ी में पानी गिरता भी है। अगर मैं आपसे जिस एसेसरीज के बारे में बात कर रहा हूँ, वो एक ऐसी एसेसरीज है, या आप होंडा सिटी ले लीजिए, या आप ऑल्टो ले लीजिए, या आप हुंडई ले लीजिए, सारी गाड़ी में आप इंस्टॉल उसको करवाते ही करवाते हैं। मेनली क्या होता है, हम अपनी गाड़ी में उस एसेसरीज को लगाने के लिए ना 10 बार सोचते हैं कि हमें किस तरह का मटेरियल चाहिए। चलिए मैं आपको इस बारे में ज़्यादा घुमाता नहीं, आपको मैं अपफ्रंट बोलता हूँ, हम बात करें फुल फ्लोरिंग मैट्स की। फुल फ्लोरिंग मैट्स क्या होते हैं, आपकी गाड़ी के जेन्युइन मैट्स के नीचे एक लेदर की अपोस्टी बन जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए लेदर की अपोस्टी, आइए मेरे साथ, ये देख सकते हैं, एक लेदर की अपोस्टी पूरी इसके अंदर बन जाती है, ये आपके जेन्युइन मैट के ऊपर पूरी चिपक जाती है। इसको लगाने के लिए हमने वेलक्रो साथ लगाते हैं ताकि इसकी इंसुलेशन एकदम परफेक्ट हो। इसको लगाने का रीज़न क्या है, कस्टमर के पास सबसे पहले चॉइस होती है, मार्केट वाले क्या बोलते हैं, सर 70 मैट लगवाइए, 3D मैट लगवाइए, या नॉर्मल मैट लगाइए। आप देख सकते हैं जैसे एक मैट है ये वाला, आप इस वाले मैट को भी अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हैं, मगर इस वाले मैट को आप इंस्टॉल तो करेंगे गाड़ी में, मगर इसके ऊपर जब आपकी मट जाती है, आपने पैर रखा, आपकी मट गई, या आपने कुछ लिक्विड थिंग रखी, कुछ भी आपने लिक्विड रखा, तो आपकी सारी चीज़ें गाड़ी में लेफ्ट टू राइट में हो जाती हैं। मगर फुल फ्लोरिंग के अंदर आपके जेन्युइन मैट्स की प्रोटेक्शन बिल्कुल रहती है, और आपकी गाड़ी की जो मैट की ड्यूरेबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म चलती है। मैं आपको चीज दिखाता हूँ, ये देखिए, लेट अस अज्यूम आप एक नॉर्मल कारपेट मैट अपनी गाड़ी में डलवाते हैं, आप देख रहे हैं कारपेट मैट है, आप ये कारपेट अपनी गाड़ी में डलवाते हैं, और आप बैठे हैं किसी गाड़ी में, किसी काम से आपका पानी गिर गया, मैट ने पानी सक कर लिया, सक तो कर लिया, मगर आपके लिए हैक्टिक है कि इसको बाहर निकालेंगे, सुखाएंगे, तो आप गाड़ी को रन करने के, वरना अंदर आपको स्मेल ही हो जाता है। अब मैं आपको फुल फ्लोरिंग की एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, आप उससे समझ जाएंगे कि फ्लोरिंग का बेनिफिट क्या है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आइए मेरे साथ, आप देख सकते हैं फुल फ्लोरिंग आपके सामने है, इस पर मैंने पानी की बोतल से मैंने पानी डाल दिया, आप देख रहे हैं, पानी डालने के बाद आप देखना पानी अपर लेयर में ही है, आपका जेन्युइन मैट गंदा नहीं होता, जेन्युइन मैट के अंदर कहीं भी आपकी गंदगी नहीं आती। अब मेरे को इस मैट को साफ करना है, सबसे आसान है, मैं सिर्फ और सिर्फ माइक्रोफाइबर क्लोथ से इस गाड़ी पे डालूंगा और हम मैट को इजीली साफ कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये आपका कुछ ही सेकंड के अंदर मैट पूरा साफ हो गया, आप देख सकते हैं आप मैट को, अभी देखिए ये बेनिफिट है प्रॉपर फ्लोरिंग करवाने का। ये फ्लोरिंग आपकी गाड़ी में पूरी बिक जाती है। इस फ्लोरिंग का बेसिकली कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है, पानी और आपके मैट्स की कॉन्ट्रेक्शन को रोकना, बीच में एक रबड़ की लेयर बन जाती है जिससे आपके मैट प्रोटेक्ट हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आएगी, क्योंकि मैट्स की गाइडेंस के रिगार्डिंग ये मेरा बताने का रीज़न इसलिए था, हर कस्टमर कहता है मुझे अपनी गाड़ी में 70 मैट चाहिए, 3D मैट चाहिए, 4D मैट चाहिए, कारपेट मैट चाहिए, बेज मैट चाहिए, मगर सर मैट इज़ अ सेकंड प्रायोरिटी, पहले आपको इसके अंदर फुल फ्लोरिंग की नेसेसिटी है, क्योंकि फुल फ्लोरिंग होने से आपके जेन्युइन मैट गंदे नहीं होते। उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी मैट डलवा सकते हैं, सिंपल सोबर, वही आपके लिए इनफ होते हैं। डोंट गो विद द 7,000-8,000 रुपीज मैट, आप 3,000-4,000 रुपीज़ के अपनी गाड़ी में कोई भी मैट आप डलवा सकते हैं। थैंक यू, ओके।